महाराज जो 15 लाख लेते हैं ना उसके घर जाकर के देखो, कहूं जाड़ी डरी होगी, कहूं बर्तन पड़े होंगे। क्यों? वो 15 लाख मैंने देखा है। जब वो शादी हो जाती है, लड़का रूठता है कि मुझे 15 लाख चाहिए, शादी तब करेंगे। तो महाराज पिता ऐसा होता है, चाहे वो कुछ भी करे, अपनी सारी जिंदगी की कमाई एक बेटी को लगा देता है, बेटी को दे देता है। और अगर वही बेटी को ससुराल वाले जब दहेज के कारण उसे जलील करते हैं, मारते हैं, यहाँ तक भी होता है कि जला भी देते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि याद रखना कि जो लोग दहेज के कारण बेटी को जला रहे हैं, मार रहे हैं, घर से निकाल देते हैं, शायद उन्हें पता नहीं है कि हमारी भी बेटी किसी के घर एक बहू बनकर के जाएगी। जब उसके साथ ऐसा होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा? और महाराज जो पैसा पर मर जाते हैं, उनके घर जाकर के पूछो, तुम्हें बहुएं काम थोड़ी करती हैं, बेड पे होकर के हुक्म जनाती हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने 15 लाख दिए, उनका ब्याजी नहीं हम खा पाएंगे। महाराज फिर क्या कहते हैं कि अब हमारी बहू काम ही नहीं करते, हमारी बहू काम नहीं करते, सारे दिन पड़ी रहती है, कहू की बात नहीं मानते। मारे कहां से 15 लाख नहीं मनवाए रहे? हाँ, अगर घर को स्वर्ग बनाना है, अगर घर की इज्जत करना चाहते हो, तो हमेशा ये दहेज को छोड़ देना चाहिए। जितनी जिसकी सीमा होती ना, पिता उतना देता है। बेटी को ऐसा नहीं है कि बेटी को धन ना दे, पिता के ऊपर जितना भी होता है सब कुछ दे देता है। और लेकिन लड़के वाले का पेट नहीं भरता है, क्योंकि महाराज एक नई नई शादी हुई गई आई, बेटी की विवाह हुआ, पिताजी के ऊपर इतना पैसा नहीं था, लेकिन लड़का झगड़ गया मंडप पर, बोले पहले मुझे कार चाहिए। पिता ने कहा बेटा हमारे पास 3 बेटियां हैं, और अगर करना है तो सभी को समान करना है। बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कार चाहिए। पिता ने कुछ भी किया, इधर उधर से लेकर के बेटे को कार दे दी। और जब कार दे दी तो महाराज बेटी और भाई लड़का जब घूमने के लिए गए, तो उधर से क्या देखा कि एक पैरों से अपाच चला आ रहा है, और इधर साहब जी की गाड़ी बड़ी तेजी से रह गई। मैया ने कहा ऐसा करो थोड़ी धीरे से चलाओ, अब धीरे तो तब चला जब पैसा लगू हो, या अपने बाप को पैसा लगू तब तो चला ही धीरे, दूसरे को लगू या खूब भौंके रहो क्या मतलब है, चाहे टूट जाए। तेजी से ले करके गए तो महाराज उस अपाच वाले लड़के पे जाकर के जैसे थोड़ी बच गई, टक्कर लग गई होगी, एकदम से निकले तो जो दिखाई नहीं देता है। अगर हमारी कहीं गाड़ी खराब हो जाती तो कौन देता है इसका वर्जन? जवाब दिया साफ, धोखे से हो गया। तो महाराज लड़की बाहर निकली और जाकर के उसको 100 रुपए दे दिए। लड़का बोला अच्छा इसका मतलब तो हमारा अपमान करती हो, क्यों इसको दिए? अरे ये तो भिखमंगे हैं, सारे दिन लोट लोटते रहते हैं। लड़की ने एक बड़ी सुंदर बात कही, महाराज भाई उनका तो काम है, वो भिखमंगे हैं, रोड पर भीख मांगते हैं, और तुम उनसे बड़े भिखमंगे हो जो हमारी मंडप पर झिंगड़ गए, पहले हमें कार चाहिए तब हम विवाह करेंगे। तुम महाराज बेकारी तो तुम हो, लेकिन क्वालिटियां कुछ अलग अलग है। बेकारी तो सब ही है, हम भी बेकारी हैं, तुम भी बेकारी हो, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो महाराज ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा संस्कार बेटी को ऐसे देना चाहिए जो जाकर के ससुराल में तुम्हारा नाम रोशन करे,
तो आज वो बेटी जब चली है तो उसकी विदाई की है, और जब विदाई की है तो महाराज उस बेटी को समझाया है, मैया देवकी को समझाने लगे हैं। जवाब दिया सुनो बिटिया, और बोले सुधाती रहना जाके ससुराल में। जवाब दिया है बाहर।